दिल्ली दे एक स्कूल विच एकांतवास विच रखे पंजाब दे किसान परेशान हन। कोरोना वायरस महामारी दरमियान दिल्ली विच फस के रह गए हन। दिल्ली सरकार समेत पंजाब सरकार नूं गुहार लगा रहे हन कि उन्हां नूं घरों घरी पहुंचाया जावे। जिस थां ते उन्हां नूं रखा गया है ओह रहण लायक नहीं, मच्छरां तों परेशान हन, पीण लई साफ पानी नहीं। इन्हां दा कहना है कि इन्हां ने वापस अपने पिंडां विच जा के कणक दी फसल सांभणी है। मौसम खराब हो रहा है अते उन्हां दी वापसी दा कोई राह नजर नहीं आ रहा, सो सूबा सरकार उन्हां दी वापसी यकीनी बनावे। जिन्नी भी इत्थे संघ बैठे आ, वीर भरा बैठे आ, सारे पंजाब तो छोटे छोटे किसानों के बच्चे आ कि जो इस टाइम मौसम की तब्दीली बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कणक की कटाई वास्ते सारे ने जाना है, तो उन्होंने सरकारों हाथ बन के बेनती है कि सानू जल्दी जल्दी कोई सलूशन कड के पंजाब भेजा जाए, जो कि अं बच्चों जाके अपनी कणक की कटाई करके काम कर सकी। अं गुरद्वारा सिख कमेटी के धन्यवाद हाँ जिसे सानू दो टाइम प्रसादा चाह सकाले आ, और बाकी सानू सरकार दे तरफों कोई सहूलत नहीं गई। साडी दोनों आ जोड़ के बेनती आ, अहां जाके कणकां संभालनियां ने, उधर मौसम भी खराब आ, तो साडी दोनों सरकारां नूं इह बेनती आ, दिल्ली सरकार नूं और पंजाब सरकार नूं, सानू घरों घरी पहुंचाया जावे। एक बजुर्ग का कहना है कि वह दोवें प्यो पुत इत्थे फसे हुए ने, उसकी पत्नी समेत बाकी परिवार पंजाब विच उन्हां दी सलामती नूं लैके फिक्रमंद है। सरकार नूं अपील है कि उन्हां दी वापसी यकीनी बनाई जावे। दिल्ली सरकार नूं ते पंजाब सरकार नूं हाथ जोड़ के बेनती की जाती है, सानू इत्थों जल्द तो जल्द कढ़िया जावे। साडे घर बहुत प्रॉब्लम है, असीं दो इत्थे बाप बेटा फसे हुए हैं, माँ उहदी कल्ली घर है, रात दिन चिंता जो रोटी नहीं खा रही, बहुत बुरी हाल है। तो साडी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सानू जल्दी तो जल्दी पंजाब पहुंचाया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। इन्हां एकांतवास विच रखे लोकां विच कुछ बीबियां भी हन, उन्हां दा कहना है कि साडे लई इत्थे बहुत परेशानी है, औरतां होण करके इस तरह बड़े कठिन हालातां विच रहण नूं मजबूर हन। सरकार नूं बस इक्को अपील है कि किसी भी तरह उन्हां नूं इत्थों घरों घरी पहुंचाया जावे। बेनती है कि सानू साडे घर पहुंचाया जावे, इत्थे मच्छर बहुत है, तो सारे कमरे अरेंजमेंट नहीं है, लैटरिन बाथरूम इन्ने गंदे ने, तो सानू लेडीसा नू बहुत परेशान, असी पीन का पानी भी इत्थे उपलब्ध नहीं है, सानू छेती तो छेती साडे घर पहुंचाया जाए। उधर DSGMC मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार नूं अपील कीती है कि दिल्ली विच फसे ये पंजाबी जो एकांतवास लई तय कीते दिन मुकम्मल कर चुके हन, उन्हां नूं पंजाब वापस ले जाण लई सरकार प्रबंध करे। सरकार नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री जी नूं फिर तो एक बार अपील करदा है, दिल्ली दे अंदर 250 तो ज़्यादा पंजाब दे लोग जिहड़े गुरद्वारा मजनू का टीला असीं संभाल रखे सी, जिन्हां नूं क्वारंटीन च भेज दिता गया सी सरकार वल्लों, उन्हां दा क्वारंटीन दा टाइम पूरा हो चुक्या, लेकिन उन्होंने ना कोई इतों ले जाने वाला है, उन्होंने बहुत बदर हालत अंदर ने, वो बेचारियां दी जमीना दा, उन्हां दी कणकां दा, उन्हां दे खेतों का नुकसान हो रहा है, उन्हां दे परिवार के जी बीमार ने, कोई इत्थे किसी को दवाइया नहीं है, पर उन्होंने कोई सार अजे भी नहीं लै रहा। मैं बड़ा हैरान हो रहा ऐसे वेले जदों UP ने कल फिर कोटा तो अपनी 500 बसा भेज के ते सारे स्टूडेंट्स वापस ले आते हैं, लेकिन पंजाब की सरकार क्यों बार बार नाकाम हो रही है लोगों को बाहर कढ़ने वास्ते। मैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करता, उन्होंने बेनती सुनो, वो चीका मार मार दुहाइया दे आप जी पुछते पे ने, सानू आके लै जाओ, सानू आके संभालो, मैं थोड़े चरणों बेनती करदा है। तुसीं इत्थों दी सरकार नूं लिखो, दिल्ली की सरकार नूं लिख के कहो जे बसा चाहिए होणगी असीं अपनी बसा प्रोवाइड करांगे, पर तुहाडा कोई ऑफिसर, तुहाडा कोई कर्मचारी इत्थों दी सरकार नूं कहे तां सही कि असीं अपने बंदे वापस लेके जाणे आ। सो मैनूं उम्मीद आ कि तुसीं मेरी इह बेनती नूं जरूर प्रवान करो। एकांतवास विच रखे इह लोक कई हफ्तिआं तों उत्थे डके हन, एकांतवास दा तय समा पूरा कर चुके हन। इक पासे अमीरां दे काकिआं लई जे फ्लाइट राहीं एयरलिफ्टिंग हो सकदी है, तां आपणे ही मुल्क विच परेशानी चल रहे इन्हां नागरिकां बारे की सरकारां सोचणगीआं। ਤਾਂ ਗਲੋਬ ਐਡਵਾਈਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 50 lakh ਤੱਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ LORs SOP 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।